युवा कल्याण विभाग द्वारा नुमाइश मैदान में आयोजित जिला स्तरीय युवा महोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों व पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हो गया है। विधायक पार्वती दास तथा युवक समिति के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र खेतवाल सहित युवा कल्याण अधिकारी अर्जुन रावत, सहायक अधिकारी हेमा परिहार, रविन्द्र कोहली ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। सभी ने प्रतिभाग कर रही टीमों को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर विभिन्न विकास खंडों से आए युवा कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बाद में विजेता टीमों को पुरस्कार भी प्रदान किए गए। युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि चयनित टीमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी। गरुड़ ब्लॉक से आ रखे हैं और हमने यहाँ छोले नृत्य परफॉर्मेंस किया और हमने अपना 100% दिया। अब जजेस के हाथों में कि हमें वो निकाले, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया है और हमने अपने छोलिया उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने के लिए छोले नृत्य को प्रस्तुत किया है और हम आशा करते हैं कि हम राज्य स्तर पर भी जाएँ और वहाँ भी इसका प्रचार प्रसार करें। एक्चुअली हम विवेकानंद विद्या मंदिर कॉलेज चौड़ी कपकोट से हैं, तो आज हमारा समूह लोकगीत है और हम यहाँ पे अपना 100% देने वाले हैं, तो हमको लगता है कि हम स्टेट लेवल पे भी जाएंगे और यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम हुए वो हमको बहुत अच्छे लगे और हमको ये पता चला कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है और कितना इंटरेस्ट। कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बाड़ा से हैं और आज हमारा जो प्रोग्राम था युवा कल्याण का, माता सुरकंडा, माता हमारी पूजनीय देवी माता सुरकंडा का हमने जागरण यहाँ प्रस्तुत करा, जिसमें हमें सारी जितने भी पात्र थे सबने बहुत बढ़िया यहाँ पे अपना योगदान दिया इसमें और साथ ही हमारे टीचरों ने, हमारे सहबंधु सहपाठी सक्षम अकेडमी के कुछ संगीतकारों ने बहुत इसमें हमारा समर्थन दिया। सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और आगे इस प्रोग्राम को आज भारतीय स्टेट स्तर में इसका बड़ा एक वहाँ भी अपना प्रस्तुत करना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में मैं सभी प्रतिभागियों को और जितने भी यहाँ पर आयोजक हैं उन सबको बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये प्रतियोगिताएँ हर समय होते रहें, क्योंकि ये हमारे जितने भी जिले के
बच्चे हैं, सभी का भविष्य इसमें भी आगे बढ़ने वाला है। हम इसी में धन्यवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ सब। युवा कल्याण विभाग प्रतिवर्ष युवा महोत्सव का आयोजन करता आ रहा है और इस वर्ष भी युवा कल्याण विभाग जनपद बागेश्वर की ओर से युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सर्वप्रथम तो विकासखंड में युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, वहां से लोक नृत्य, लोकगीत, एकल नृत्य और अन्य विधाओं में भी जो विजेता प्रतिभागी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज जनपद स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वो इस मंच के माध्यम से यहाँ प्रतिभाग करेंगे और जो विजेता प्रतिभागी हैं वो राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे और राज्य स्तर पर भी हमारे जनपद बागेश्वर के प्रतिभाग ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और पिछले वर्ष लोकगीत और लोक नृत्य में द्वितीय और तृतीय स्थान जनपद बागेश्वर की टीम ने स्थान प्राप्त किया गया है और जो भी यहाँ विजेता हैं उनको आकर्षक पुरस्कार युवा कल्याण विभाग की ओर से दिया जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।